लेकिन जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। साधु का रूप धारण करके इस तरह की नफरत की बात करना, ऐसे विकास करेंगे आप लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान। कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। जिन्होंने बम लगाए थे, जिन्होंने मारा था लोगों को, प्रज्ञा स्वामी ऐसी मनंद, ये हिंदू नहीं है या आतंकवादी नहीं है? क्या तरीका है क्या तरीका है? आप बताइए क्या तरीका है। चलो भाई। दोस्तों कभी कभी गोदी एंकर पर भी पत्रकारिता का भूत सवार हो जाता है। आप रजत शर्मा को ही इस इंटरव्यू में देख लीजिए, जिसमें योगी आदित्यनाथ से कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब आपके भाषण सुनते हैं ऐसा लगता है कि आप सिर्फ नफरत फैला रहे हैं, जैसे सिर्फ आग लगा रहे हैं, जैसे किसी का खून पीना चाहते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ, अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। योगी जी आप भारत की पार्लियामेंट के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे विकास करेंगे लोगों के घर जला के उनको मार के? हमने कहा हम पहल नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कोई हमारा जलाएगा तो ये निश्चिंत होकर के नहीं बैठे। लोगों को भड़का रहे हैं, उनको हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये कानून अपराध है। हम अन्याय सहेंगे भी नहीं। ऐसे भाषण देना, लोगों को भड़काना, मर्डर के लिए भड़काना, कत्ल के लिए भड़काना, आग लगाने के लिए भड़काना, ये कानूनन अपराध है, ये कंडीशनल है। अगर कोई आपको मारता है, कानून आपको इस बात की इजाजत भी देता है कि आप आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? हाँ जी, तो रजत शर्मा ने शुरुआत की इस भाजपा नेता के नफरती बोल से, जिसके बाद धीरे धीरे इस भाजपा नेता की पोल पट्टी खोल कर रख दी। शर्मा जी ने माला और भाला पर बेहतरीन सवाल पूछा कि सबका साथ और सबका विकास में ऐसे कैसे विकास करेंगे, जिस पर इस भाजपा नेता की बोलती बंद हो गई। यकीन मानिए मैं भी हैरान हूँ शर्मा जी का ये पत्रकारिता वाला परफॉर्मेंस देख करके। हो सकता है कि ये सब बैलेंस करने के लिए कर रहे हो, खैर जो भी हो हमें क्या। और जब शर्मा जी ने इस भाजपा नेता को कानून का सबक सिखाया तो जवाब में कहने लगे कि ये कंडीशनल है। पर ये कैसा कंडीशनल है जनाब, जिसमें लोगों को उकसाया जाता है, भड़काया जाता है? और अगर ये सेल्फ डिफेंस कहना चाह रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि अपने सेल्फ डिफेंस में दूसरे लोगों को उकसाओ भड़काओ? दरअसल ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है, जिस पर ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़ दो, सिर्फ विकास की बात करो। इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। एक भी दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान। कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई हिंदू है और वो आतंकवादी है, वो मारता है मासूम लोगों को, उसके बारे में भी यही कहेंगे? हिंदू पहले आतंकवादी नहीं हो सकता, ये क्या बात हुई? देखिए ऐसी बेसे पैर की बात का तो मैं भी कोई जवाब नहीं दे सकता। मैंने कहा ना, नहीं आप मुझे बताइए कि ये साधु प्रज्ञा स्वामी ऐसी मनंद, ये हिंदू नहीं है या आतंक्वादी नहीं? मैं वही आ रहा हूँ, क्या तरीका है? तो जी जब रजत शर्मा ने मोदी जी को कोट करते हुए कहा कि 10 साल तक दंगे फसाद को पीछे छोड़कर विकास की बात करो, तो इस पर भी जवाब में हिंदू मुस्लिम करने लगे, जिस पर रजत शर्मा ये कहते हुए दिख रहे हैं कि बेसिर पैर की बात का मैं भी जवाब नहीं दे सकता। वैसे बेसिर पैर की बात तो हमारे मोदी जी भी खूब करते हैं, कई बार तो लोगों को कपड़ों से भी पहचान लेते हैं, तो भेदभाव तो वहां से शुरू हुई तो योगी जी क्यों ना करें। और जब शर्मा जी ने प्रज्ञा ठाकुर और असीमा नंद का नाम ले लिया तो बौखला गए ये भाजपा नेता, मतलब इन्हें भी औरों की तरह सच हजम नहीं होता। आगे देखिए शर्मा जी के कुछ और सवाल, जिस पर ये भाजपा नेता कैसे बातें बनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हम चाहते हैं सब लोग इसको फॉलो करें, इस दिशा में आगे बढ़े। आपकी बात को फॉलो करें या नरेंद्र मोदी की बात को फॉलो करें? मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास की आप कहते हैं एक मारोगे मैं 10 मारूंगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।